आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10 का यूनिट नंबर 3। और यानी कि अपन ने जो लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट किया था, और आज अपन जो इसमें लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो ऐसे चैप्टर नंबर 10 का यूनिट नंबर जो 3 है वो लास्ट यूनिट है, जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो कि आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है डिवेंचर। अब गाइस डिवेंचर का मतलब क्या है पहले अपन वो समझते हैं। जैसे कि अपन ने शेयर्स के बारे में पढ़ा, इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ा, आज इसी पर पढ़ने वाले हैं डिवेंचर्स के बारे में। डिवेंचर्स का मतलब ये है गाइस कि जो कंपनी है वो बैंक से ना लोन लेके पब्लिक से लोन लेती है, मतलब पब्लिक में अपने डिवेंचर इशू करती है और वहां से पैसा लेती है। कंपनी के लिए एक ये लोन होता है जो कि कंपनी किससे लेती है, पब्लिक से लेती है, लोन बैंक से ना लेके, उसे अपन बोलते हैं डिवेंचर। तो डिवेंचर इशू करके वो पैसा लेगी। जैसे कि मीनिंग में इसके अपन का लिखा हुआ है क्लियरिफिकेशन के साथ, तो जरा पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है कि डिवेंचर में क्या-क्या होता है। इंक्लूड होता है डिवेंचर स्टॉक, ठीक है, डिवेंचर के अंदर डिवेंचर स्टॉक शामिल रहेगा, बॉन्ड्स शामिल रहेंगे और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट भी शामिल रहेगा, और कंपनी का जो एविडेंस इन अ डेट, जो कि सबूत देता है कि ये क्या है, डेट है, ये क्या है आपका लोन है, तो वो भी हमारे डिवेंचर में इंक्लूड रहेगा। वेदर कॉन्स्टिट्यूइंग अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। तो गाइस इस लाइन का मतलब जरा समझते हैं, वेदर कॉन्स्टिट्यूइंग अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। जो डिवेंचर्स हैं वो हमारे असेट्स पे चार्ज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, एज अ सिक्योरिटी पर्पस से, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है ना वेदर कॉन्स्टिट्यूइंग अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, यानी कंपनी के वो असेट्स पर चार्ज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, एज अ सिक्योरिटी पर्पस। भाई आज लोन ले रहे हैं तो लोन के अवज में अपन को सिक्योरिटी तो जमा करानी पड़ेगी, तो वो असेट्स हो सकती है कंपनी की, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सिक्योरिटी के पर्पस में कंपनी की असेट्स रखी जाए, ठीक है। लिखा हुआ है ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती असेट्स को, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं फीचर्स के बारे में डिवेंचर की। तो पहला फीचर लिखा हुआ है इट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच एविडेंस अ लोन मेड टू अ कंपनी। तो ये डॉक्यूमेंट है जो कि एविडेंस है किसका, लोन का सबूत, एविडेंस मतलब का सबूत, लोन का मेड टू की कंपनी पर क्या है, लोन है, ठीक है। तो डिवेंचर जो है कौन कंपनी पर क्या है, लोन है, तो ये डॉक्यूमेंट है। दूसरा इट इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी का इंटरेस्ट फॉल ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट। जो गाइस डिवेंचर होता है उस पर जो इंटरेस्ट की रेट होती है फिक्स होती है, क्योंकि अपन को ये बात तो पता है कि लोन पर अपन इंटरेस्ट पेड करते हैं, तो जो इंटरेस्ट की रेट जो होती है डिवेंचर पे वो फिक्स होती है और स्पेसिफिक डेट पे उसको हमें पे करना पड़ता है, यानी कंपनी को पे करना पड़ता है, ठीक है, स्पेसिफिक डेट पे, और पहले से जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स होती है। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट इज पेबल एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड डेट, पहले से डेट जो फिक्स जो होती है रेट, और रिगार्डलेस ऑफ द लेवल होता है उसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी को स्पेसिफिक डेट पर जो फिक्स्ड रेट से जो इंटरेस्ट हो उसको पेड करना पड़ेगा। ये डिवेंचर के फीचर्स में आता है। गाइस फोर्थ पॉइंट है द ओरिजिनल सम इज द रिपीट टू अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट और इट्स कन्वर्ट इनटू शेयर और अदर डिवेंचर। जो डिवेंचर्स होते हैं उसको एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पर पे करना पड़ता है कंपनी को, ठीक है, कन्वर्ट कर सकती है किसी भी शेयर्स में और अदर डिवेंचर्स में भी कन्वर्ट कर सकती है, या तो रीपे करेगी स्पेसिफिक कोई फ्यूचर डेट बताएगी, आज हम तुमसे पैसा ले रहे हैं और इसको हम इस डेट पर आपको पे करेंगे, या फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे शेयर में, या फिर इसको अदर डिवेंचर्स में भी कन्वर्ट करेंगे, तो वो सब बताते हैं। तो इसका एक फीचर्स है कि पे कर सकते हो शेयर में, कन्वर्ट कर सकते हो डिवेंचर को, या अदर डिवेंचर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी और एज अ सिक्योरिटी। अभी जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी के रूप में कंपनी की असेट्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती चार्ज, लेकिन वो इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ अ कंपनी एज अ सिक्योरिटी के रूप में। तो जैसे कि यहां पे भी यही बात लिखी हुई थी, मैंने बोला था असेट्स को सिक्योरिटी के पर्पस में रख भी सकते और नहीं भी रख सकते, ठीक है, तो दोनों बात है। उसके लास्ट पॉइंट है कैन जनरली बी ब्रॉट और सोल्ड, मतलब परचेस कर सकती है, सोल्ड कर सकती है थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज में एट अ प्राइस अबव और बिलो, मतलब कम और ज्यादा पर, एट इट्स फेस वैल्यू से ज्यादा पर और फेस वैल्यू से कम पर परचेस कर सकती है और सोल्ड कर सकती है, कहां पर, स्टॉक एक्सचेंज में। तो गाइस ये है इसके फीचर्स ऑफ डिवेंचर, जो कि अपन 6 पॉइंट पढ़े अच्छे से, ये इसकी डेफिनेशन है गाइस। और ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये कुछ बेस है कि मतलब डिवेंचर का मतलब क्या है, क्या सेक्शन है कंपनी एक्ट में उसके बारे में क्या कहा गया है, फीचर्स क्या है इस डिवेंचर्स के, तो ये अपन ने यहां पर देख लिए हैं। अब बात करते हैं
डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर्स में, यानी डिवेंचर्स में और शेयर्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि अपन शेयर्स के बारे में पढ़ लिया है, अपन इसमें डिवेंचर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपन को पता है कि जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी की कैपिटल होती है और डिवेंचर्स क्या होता है, कंपनी का डेट होता है। ठीक है, डिवेंचर जिनके पास होते हैं वो डिवेंचर होल्डर कहलाते हैं और जिनके पास शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। ठीक है, जो शेयर्स होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग पावर का राइट होता है, डिवेंचर्स वालों के पास वोटिंग राइट का पावर नहीं होता। मतलब इनके पास वोटिंग पावर के लिए कोई भी जगह नहीं है, लेकिन शेयर्स होल्डर जो होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है और डिवेंचर्स वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, अब हमने एक चीज और पढ़ी, शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है और डिवेंचर्स में अपन ने पढ़ा कि फिक्स रेट से क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो डिफरेंस जो है, आपको जो डिफरेंस आता है अपन उसको लिखेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल से ये इसके डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंस मैंने बताए हैं, कुछ डिफरेंस आप लोग कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल ही है क्योंकि अपन ने डिवेंचर्स के बारे में पढ़ लिया, शेयर्स के बारे में पढ़ लिया, डिवेंचर्स के बारे में अपन और भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपन बताते हैं कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स के बारे में लिखा हुआ है। सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पस से बात करें तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों अपने जानते हैं कि सिक्योर्ड डिवेंचर जो कि असेट्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं कंपनी की, वो सिक्योर्ड डिवेंचर कहलाते हैं, और अनसिक्योर्ड जो कंपनी के असेट्स से सिक्योर्ड नहीं होते हैं वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो सिक्योर्ड। और बात करते हैं सेकंड कन्वर्टेबिलिटी की, कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। हाँ, तो भाई इसमें ये जो अनसिक्योर्ड डिवेंचर है इसको नेट डिवेंचर के नाम से भी जाना जाता है। अब कन्वर्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कन्वर्टेबल जिस नाम से समझ में आ रहा है, जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में वो कन्वर्टेबल, और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर में वो नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिवेंचर भी एक पर्टिकुलर डेट के बाद कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो होते कन्वर्टेबिलिटी। अब आज बात करते हैं प्रेफरेंसेस के बारे में, तो रिडीमेबल डिवेंचर और एक इररिडीमेबल। जैसे गाइस अपन ने पढ़ा था रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल, वहां पे तो क्या था कि अपन को पता है कि प्रेफरेंशियल जो मैक्सिमम 20 इयर्स के लिए इशू हो सकते हैं, लेकिन डिवेंचर्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब यह है कि कंपनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करेगी, पैसे लौटाएगी। तो बता के चलती है जब वो डिवेंचर इशू कर रही होती है कि अब इसका पैसा 6 साल बाद या 8 साल बाद या 10 साल बाद या 12 साल बाद जब भी हम लौटाएंगे उसको वो बता के चलती है कंपनी। और गाइस जो इररिडीमेबल डिवेंचर होते हैं, कंपनी इसका पैसा लिक्विडेशन के टाइम पर पेड करती है, यानी लिक्विडेशन से पहले पहले वो क्या कर देगी, पैसा पेड कर देगी, होता है इररिडीमेबल डिवेंचर। कि कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी को पैसा लौटाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, उसे अपन बोलते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। नेगोशिएबिलिटी के मैं भी टू टाइप्स हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर और बीआरआर डिवेंचर। अब गाइस नाम से समझ में आ रहा है रजिस्टर्ड, जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रजिस्टर्ड होगा, जिस होल्डर का नाम रजिस्टर्ड होगा उसी को डिवेंचर का पैसा लौटाया जाएगा, उसी को इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, वो होते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। और गाइस इसको जब कोई भी होल्डर ट्रांसफर करता है, यानी कोई भी डिवेंचर होल्डर डिवेंचर ट्रांसफर करता है, तो उसके लिए डिवेंचर जो डीड होती है उसकी हमें जरूरत यहाँ पे पड़ती है, उसे अपन बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को डीड की जरूरत पड़ेगी। बीआरआर डिवेंचर का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड डिवेंचर, जिसमें कि होल्डर का नाम नहीं होता, जिसके पास डिवेंचर होते हैं उसी को इंटरेस्ट पेड कर दिया जाता है। वो बताएगा डिवेंचर्स क्या एक कूपन होगा, डिवेंचर्स कूपन, वो उसको अटैच करेगा कूपन डिवेंचर के साथ और उसको इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर होल्डर का ना तो नाम होता है, तो जिसके पास वो डिवेंचर होते हैं उसी को वो इंटरेस्ट पेड कर दिया जाता है। यहाँ पर ट्रस्ट डीड की जरूरत नहीं होती है, डिवेंचर जो डीड होती है ना उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर डीड की जरूरत आपको पड़ने वाली है। ये रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और बीआरआर डिवेंचर जो अनरजिस्टर्ड है कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होते, जिसके पास होते कंपनी उसको इंटरेस्ट पेड कर देती है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, रजिस्टर्ड एंड बीआरआर डिवेंचर। अब गाइस प्रायोरिटी के बारे में बात करें तो फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, सेकंड मॉर्गेज, पेमेंट के टाइम पर, यानी कि डिवेंचर का पेमेंट जब करेंगे तो पहले जिसको पेमेंट किया जाएगा जिसको फर्स्ट राइट होगा उसे फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर कहते हैं, और जिसको फर्स्ट के बाद दिया जाएगा उसका अपन सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर कहते हैं। तो
प्रायोरिटी बेसिस पे होते हैं पेमेंट करने के टाइम पर, जिसको पहले प्रायोरिटी की पेमेंट देने की, यानी डिबेंचर में से पहला लौटाएंगे वो फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर रहेंगे, जिनको बाद में लौटाया जाएगा वो सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर रहेंगे। तो आई होप कि गाइस ये आपको समझ में आया होगा, सिक्योरिटी पर्सन, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल डिबेंचर और इररिडीमेबल डिबेंचर, रजिस्टर्ड और बियर डिबेंचर, और फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर एंड सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। और गाइस अपन इससे पहले पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर्स में, तो अपन को पता है कि जो शेयर होता है वो कैपिटल का पार्ट है और डिबेंचर डेट का पार्ट है। डिबेंचर होल्डर होते हैं जिनके पास डिबेंचर होते हैं वो डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं, जिनके पास शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट पेड किया जाता है, शेयर्स वालों को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। डिबेंचर वालों के जो क्या कहते हैं वोटिंग राइट नहीं होता है और शेयर्स वालों के पास वोटिंग राइट होता है। डिबेंचर्स को भी कन्वर्ट किया जा सकता है और शेयर्स को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इस टाइप से भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको करने हैं, ठीक है। तो आई होप कि गाइस ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि अपन ने डिफरेंस पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ ली है और डिबेंचर्स के फीचर्स अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं यहां तक, ठीक है गाइस। तो गाइस अब बात करेंगे अपन डिबेंचर को इशू करने के बारे में, यानी इशू ऑफ डिबेंचर है। अब अपन का यहां से प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा, इससे पहले अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट जो था डिबेंचर का वो कंप्लीट कर लिया है और जो थ्योरेटिकल रहेगा वो टॉपिक के साथ अपन क्लियर करने वाले हैं। तो अब अपन इशू ऑफ डिबेंचर कर रहे हैं, जैसे कि अपन ने शेयर पढ़े थे कि जो शेयर इशू होते हैं वो इंस्टॉलमेंट में भी होते हैं, लमसम में भी होते हैं, कैश में भी होते हैं, अदर देन कैश में भी होते हैं। उनको दो टाइप इशू किया जा सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, ये अपन ने शेयर से पढ़ा था। तो अगर डिस्काउंट, यानी अपन डिबेंचर में पढ़ रहे हैं, लमसम पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर कैश, कैश के लिए इशू करेंगे। लमसम कैसे, यानी जितने रुपए का जो डिबेंचर होगा वो उतने रुपए एक बार में ही मांगे जाएंगे, वो होता है लमसम। और कैश मांगा जाएगा तो ओनली फॉर कैश के लिए डिबेंचर इशू यहां पर होने वाले। अब गाइस एक बात याद रखनी है, डिबेंचर तीन टाइप से इशू होता है, एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे। यानी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं होते लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होते हैं, ये एक और डिफरेंस अपने सामने आ गया है। तो यहां पे अपन तीनों टाइप्स को समझेंगे, लमसम का केस है और इसको अपन कैश में इशू कर रहे हैं, क्योंकि अपन इसमें केस पढ़ेंगे अदर देन कैश, कि कंपनी कोई भी असेट्स वगैरह को परचेस करती है और उसके बदले में वो क्या देती है, अपनी कंपनी के शेयर्स देती है या अपनी कंपनी के डिबेंचर देती है। तो डिबेंचर पढ़ रहे हैं तो डिबेंचर देगी, अपन ने पढ़ा था शेयर्स वाले चैप्टर में तो वहां पर उन्होंने शेयर दिए थे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने गाइस मॉड्यूल का इलेक्शन नंबर 6 है जो कि अपन करने वाले, इलेक्शन नंबर 6 जो कि आपको पेज नंबर 10.73 पे दिया हुआ है, ठीक है जी। इलेक्शन नंबर 6 है जो कि 10.73 पेज नंबर पे आपको दिया हुआ है। तो गाइस इसमें लिखा हुआ है साइमंस लिमिटेड इशू 1,12,000 डिबेंचर, कितने गाइस 1,12,000 डिबेंचर, 100 रुपए ईच एट पार, यानी केस कौन सा है जी, एट पार पे ये लोग इशू कर रहे हैं, ठीक है जी, एट पार पे। तो इन्होंने लिखा है इन फुल ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन पे एक साथ दिया जाएगा, 1 अप्रैल को एप्लीकेशन पर रिसीट हुई है और वो भी 1,10,000 डिबेंचर्स के लिए। मतलब इन्होंने जो इश्यू करे थे वो 1,00,000 डिबेंचर करे थे लेकिन एप्लीकेशन आई है 1,10,000, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का आ गया है। इन्होंने डिबेंचर वाज अलॉटेड ऑन 7 अप्रैल, इन्होंने डिबेंचर अलॉट कर दिए 7 अप्रैल को और एक्सिस मनी रिफंड करती है ऑन द सेम डेट, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी। तो गाइस अपन इसको समझने वाले हैं, गाइस जैसे एंट्री अपन लोगों ने शेयर्स के लिए पढ़ी थी, सेम अपन लोग कैसे पढ़ने वाले, डिबेंचर्स के लिए पढ़ने वाले। तो फर्स्ट एंट्री जैसे अपन पढ़ते हैं बैंक अकाउंट डीआर, तो गाइस इसमें जो शेयर्स है वो 12% है, हम यहां पर लिखेंगे 12% टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है गाइस, क्या लिखेंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने थे 1,10,000 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आई है और इन्होंने कितने रुपए मांगे हैं जी, 100 रुपए मांगे हैं। तो टोटल जो अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो अपना कितना हो जाएगा, यानी कि 1,10,000 तो अपन लिखेंगे और उसमें 2 जीरो और लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये 1,10,00,000 के आसपास होने वाला है, यानी बैंक अकाउंट है 12% डिबेंचर। ये गाइस जो एंट्री है वो अपनी एंट्री पोस्ट होगी 1 अप्रैल को, क्योंकि ये 1 अप्रैल को इन्होंने एप्लीकेशन थी और अब उसके बाद इन्होंने अलॉट करा 7 अप्रैल को। तो अपन 7 अप्रैल को एंट्री पोस्ट क्या करेंगे, ईयर मैंने लिख दिया है जी, ये ईयर है आपका, तो ईयर दिया नहीं है तो सिर्फ 1 अप्रैल लिख दिया, 7 अप्रैल लिख दिया। एंट्री होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर 1,10,00,000, ठीक है गाइस, 1,10,00,000 टू 12% डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर हमारा लोन है इसलिए डिबेंचर के नाम से आएगा,
ठीक है, तो 12% डिवेंचर लिख दिया है। हमें पता है कि हमारे जो डिवेंचर थे वो थे 1 लाख, 100 रुपीज का था, तो 1 करोड़ यहाँ पे जाने वाला है गाइस। ठीक है जी, 1 करोड़ यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे लिख दिया है टू बैंक रिफंड करना पड़ेगा पैसा 10 लाख रुपए, क्योंकि कितने डिवेंचर थी, एप्लीकेशंस का पैसा ज्यादा आया था 10,000, और इनटू 100 करेंगे तो 10 लाख आएगा, तो 10 लाख रिफंड कर दिया टू बैंक, टू डिवेंचर में अपन ने 10 लाख ट्रांसफर कर दिया है, और 12% डिवेंचर एप्लीकेशन जो अपन ने यहाँ पे सीआर के लिए नहीं आउट अगर डीआर कर दिया 1 करोड़ 10 लाख से। आई होप गाइस ये समझ में आया होगा, ये एट पार का केस था, ओनली फॉर कैश के लिए लमसम था, एक बार में पैसा पूरा पूरा मांग लिया गया, तो बैंक अकाउंट दिया टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 12% डिवेंचर और टू बैंक। यहाँ पे परसेंट इसलिए लगाया जाता क्योंकि अपन ने पढ़ा था फीचर्स में फिक्स्ड रेट से इनको इंटरेस्ट होता है, तो कितने परसेंट वाले होते हैं 14% वाले, तो वो आगे डिनोट करना पड़ता है, तो 12% वाले हैं इस पर इंटरेस्ट जो है वो 12% दी जाएगी। ठीक है, तो ये आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यानी कि अपन ने ये वाला लेक्चर नंबर जो 6 था वो एट पार का केस था, तो अपन ने एट पार वाला यहां पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एट पार के बाद अपन चलते हैं एट डिस्काउंट पर, तो जो कि आपको इलेक्शन आपको दिया हुआ है इलेक्शन नंबर 7, ये भी लमसम का केस है, और ये गाइस किसका है एट डिस्काउंट के बारे में है, तो अपन इसको डिस्काउंट पर करने वाले हैं, इसको भी अपन समझेंगे अच्छे से। ठीक है गाइस, अब अपन करते हैं एट डिस्काउंट। तो इलेक्शन नंबर 7 जो है वो आपका दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड ने इश्यूड करे हैं 1,12,000 डिवेंचर 100 रुपीज ईच एट अ डिस्काउंट 10% पेबल इन फुल एप्लीकेशन ऑन 31 मई 2017। यानी कि इन्होंने क्या करा है, जो 1 लाख डिवेंचर्स हैं 12% वाले 100 रुपीज वाले जो हैं वो इन्होंने इश्यू करे हैं 10% डिस्काउंट पर, एप्लीकेशन के साथ पूरा का पूरा पैसा देना 31 मई 2017 को। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,20,000 डिबेंचर्स के लिए, डिबेंचर वर एलोटेट किए गए 9 जून 2017, एक्सिस मनी वर रिफंड ऑन द सेम डे पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री आल्सो शो नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो गाइस एट डिस्काउंट का केस है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, और ये आपके मॉड्यूल का जो पेज नंबर है वो 10.75 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो एड डिस्काउंट की बात करते हैं लेक्चर नंबर 7 में। तो गाइस पहले अपन एंट्री पोस्ट करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू, कितने परसेंट वाले डिवेंचर है ये 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितने डिवेंचर की एप्लीकेशन आई थी इनके पास, आई थी 1,20,000 डिवेंचर्स के लिए। गाइस कितने के लिए, 1,20,000 डिवेंचर, और जो डिवेंचर था वो था 100 रुपीज का, और इन्होंने 10% डिस्काउंट पर इश्यू कराया। अगर गाइस अपन बात करें 100 रुपए फेस वैल्यू है, 10% 10 रुपीज होता है, इसका मतलब कितने रुपए पे इश्यू किया गया है, 90 रुपीज पे इश्यू किया गया है। तो 1,20,000 का मल्टीप्लाई अपन 9 से कराएंगे, तो 12,9 जा 108 रहेंगे, और 4 में 5 जीरो और लगेंगी इसमें, तो गाइस ये इतना पैसा अपने पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन इसको एंट्री को पोस्ट करेंगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर 1,50,000 है, उसके बाद अपन यहां पर जो करने वाले हैं वो डिवेंचर का पैसा डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को इस चीज में क्या करना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर अकाउंट डीआर करना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि कंपनी ने इसको डिस्काउंट पर इश्यू किया है, कंपनी के लिए डिस्काउंट है लॉस, और अपन को ये बात पता है कि ऑल लॉसेस बैलेंस आर डीआर, तो ये डिस्काउंट पर खड़ा है। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करते थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ करता था, तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करती थी, सीआर करती थी, तो यहां पर डिस्काउंट को डीआर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के लिए लॉस है। अपन को पता है कि कंपनी ने जो डिवेंचर का जो डिस्काउंट था वो 10 रुपए है, और अपने पास गए जो डिवेंचर थे वो कितने थे, वो अपने पास थे गए डिवेंचर 1 लाख, तो 1,00,000 × 10 रुपए के हिसाब से इसमें चला जाएगा गाइस 10 लाख रुपए। ठीक है जी, 10 लाख रुपए डिस्काउंट में चले जाएंगे, ये भी डीआर हो जाएगा क्योंकि हमारा लॉस है। ठीक है गाइस, तो ये 10 लाख रुपए अपन ने यहाँ पे डीआर करे, जो 1,08,00,000 से आपने सीआर करी थी वो अपन ने यहाँ पे डीआर कर दी है,
अब 212% डिवेंचर में पैसा ट्रांसफर होगा। हमें पता है कि 100 रुपए का डिवेंचर था और 1 लाख डिवेंचर थे, तो 1 करोड़ यहां पे चले जाएंगे, ठीक है। और जो अपन को लौटाना है वो है टू बैंक अकाउंट। कितने डिवेंचर्स की एप्लीकेशन ज्यादा आई थी, 90 रुपीज मांगी थी एप्लीकेशन पे, डिस्काउंट पर था, और 20,000 की एप्लीकेशन ज्यादा आई थी, 9218 यानी 18 लाख हमको रिटर्न करने पड़ेंगे गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया हो। दोबारा एक बार करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड ने इशू करा 1 लाख डिवेंचर, 12% वाले, 100 रुपए ईच का था डिवेंचर, 10% डिस्काउंट पर इशू करा था, इसका मतलब 100 रुपए पे 10% यानी 10 रुपए। हमेशा गाइस याद रखें, डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, हमेशा फेस वैल्यू का दिया जाता है, तो 100 रुपए फेस वैल्यू का 10% 10 रुपए लेस करा, 90 रुपीज कंपनी ने मांग लिए। 120 की एप्लीकेशन आई थी, 90 का मल्टीप्लाई करा 1 करोड़ 8 लाख अपने लिख दिया, बैंक को 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर इसको ट्रांसफर करा, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 1 करोड़ 8 लाख। हमें पता है कि डिस्काउंट पर इशू करे तो डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर किया, क्योंकि डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, 1 लाख डिवेंचर कंपनी के थे, 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख अपन ने डीआर कर दिया है, ठीक है। टू 12% डिवेंचर, जितने डिवेंचर थे फेस वैल्यू के साथ डिवेंचर का पैसा 1 करोड़ यहाँ पे चला गया, ठीक है। और 90 रुपीज एप्लीकेशन में मांगे थे, 20,000 एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा आया था, तो टू बैंक 18 लाख हमने रिफंड कर दिया है। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये डिस्काउंट का केस था लमसम वाला, जो कि मैंने आपको समझाया है। अब गाइस बात करते हैं प्रीमियम पर, ठीक है, जो कि आपकी बुक में तो नहीं, मतलब मॉड्यूल में तो नहीं है, लेकिन मैं इसी वाले लेक्चर नंबर 7 को ही मैं आपको प्रीमियम पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन प्रीमियम पर हो सकता है। तो गाइस आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। जैसे अपन ने एंट्री शेयर्स में करी थी, सेम एंट्री अपन यहाँ पर कर रहे हैं। ये डिवेंचर का कैपिटल होता है, यहाँ पर डिवेंचर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये लोन है, डेट है कंपनी का, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके प्रीमियम के फैक्टर के बारे में। तो गाइस अपन तीसरा पॉइंट इसका लेते हैं, ठीक है जी। तो तीसरा पॉइंट जो है वो इसका प्रीमियम का है, तो अपन प्रीमियम वाला पॉइंट भी अपन ले लेते हैं यहाँ पे। तो अपन के तीनों केस हो जाएंगे लमसम में, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। तो ये एट प्रीमियम है, इलेक्शन नंबर 7 है, इसी को मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करते हैं एट प्रीमियम पर, ठीक है। तो एट प्रीमियम की बात कर लेते हैं, प्रीमियम की बात करते हैं तो मान के चलते हैं जो प्रीमियम था वो कंपनी 10% ले रही है। कितना परसेंट ले रही है? 10% प्रीमियम ले रही है। 10% प्रीमियम ले रही है, इसका मतलब 100 रुपए तो फेस वैल्यू हुई डिवेंचर की, और 10% प्रीमियम है तो 10 रुपए ऐड करेंगे तो 110 अब यहां पर आने वाले, ठीक है। हमको पता है कि 120,000 की हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, 100,000 शेयर थे, 110 रुपए पर मांगा जाएगा, क्योंकि प्रीमियम पर मांग रही है कंपनी, यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर को 10% प्रीमियम पर इश्यू कर रही है, तो 10 रुपए ऐड करने, क्योंकि प्रीमियम का पैसा आता है और डिस्काउंट का पैसा नहीं आता, इसलिए उसको अपन लेस करते हैं। तो अपन एंट्री पोस्ट कर दी है, बैंक अकाउंट डीआर 212% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अपन इस वाले को करेंगे यहां पे। तो अपन 20,000 का मल्टीप्लाई अगर अपन 100 से कराएंगे तो ये अपना आ जाएगा 1 करोड़ 20 लाख और 12 लाख, 1 करोड़ 32 लाख आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1 करोड़ 32 लाख अपन इसका करेंगे। उसके बाद अपन को उसको ट्रांसफर करेंगे तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, ठीक है। 12% डिवेंचर अकाउंट करेंगे, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करा है, इससे सीआर होता है, कंपनी का प्रॉफिट है, और जो रिफंड करना है उसे अपन करेंगे 2 बैंक अकाउंट। तो गाइस डीआर यानी जितने से आपने सीआर करा उतने से तो डीआर हो गया 1 करोड़ 32 लाख से, ठीक है गाइस। उसके बाद अपन को पता है कि डिवेंचर का पैसा कितना है, 1 लाख डिवेंचर है, और 100 रुपीज के हिसाब से 1 करोड़ जाएगा अपना डिवेंचर में, ठीक है गाइस। सिक्योरिटी प्रीमियम में अपन को पता है कि 1 लाख अपने डिवेंचर है, 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो अपना 10 लाख जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अपन को पता है कि हमारे पास जो हमारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो आई थी डिवेंचर की, वो 20,000 थी, और अपन ने 110 पैसा मांगा है, तो यहाँ पे जो रिफंड होगा वो होगा गाइस 22 लाख, यानी कि 20,000 टू 11 110 कराएंगे तो 22 लाख आएगा। और गाइस अगर अपन इसको जोड़ के देखें 1 करोड़
और ये है लायबिलिटी, यानी कि उन्होंने कितनी ली है एससी लिमिटेड ने अनुज की 120, तो इसका मतलब इसको जो पेमेंट करना है अभी कितना और करना है 880,000 से अपन बोलेंगे परचेस कंसीडरेशन, ठीक है ना, 880 तो लिखा हुआ था परचेस कंसीडरेशन वाज पेड टू अनुज को 1 मई 2016 को पेड कर दिया गया, और वो भी कैसे करा, बाय द इशू ऑफ 6% डिबेंचर इशू करके 100 रुपए वाले, ठीक है 6% डिबेंचर इशू करके कितने वाले 100, तो इसमें लिखा हुआ जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड में अपन को करनी है, डिबेंचर जो इशू किया गया वेट पर एट 10% प्रीमियम और एट 12% डिस्काउंट, ये तीन टाइप से करके अपन को करना है क्वेश्चन। तो गाइस पहले असेट्स 10 लाख की खरीदी एससी लिमिटेड ने, लायबिलिटीज लिए 120,000 की, तो परचेस कंसीडरेशन निकला 880,000 का जो एससी लिमिटेड देगी किसको, अनुज को, ठीक है। तो इसमें जो एससी लिमिटेड है वो परचेजर है और अनुज जो है वो सेलर, तो अब गाइस अपन बुक्स किसकी बुक में कर रहे हैं, एससी लिमिटेड की बुक में, ठीक है गाइस एससी लिमिटेड की बुक में। तो पहले इसकी एंट्रीज पोस्ट करते हैं बिजनेस को परचेस करने की, तो गाइस अपन को पता है कि असेट्स का बैलेंस डीआर होता है, तो असेट्स अकाउंट डीआर टू लायबिलिटी, टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, और टू अपन यहां पर वेंडर लिख सकते थे लेकिन वेंडर का नाम हमें पता है अनुज, तो हम यहां पर लिख रहे हैं टू अनुज, ठीक है गाइस। अगर वेंडर का नाम नहीं पता है यानी कि, तो अपन यहां पर वेंडर यूज करेंगे, तो टू अनुज अकाउंट 10 लाख असेट्स के गाइस, ठीक है, और लायबिलिटीज 120,000 की परचेस करी है, तो 880,000 का अनुज को पैसा देना है, ये है परचेस कंसीडरेशन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो है परचेस करने की एंट्री असेट्स अकाउंट या लायबिलिटीज अकाउंट या टू अनुज, और ये कौन सी डेट को एंट्री पोस्ट होगी 1/4/16 को, ठीक है। अब अपन को पता है कि एससी लिमिटेड ने परचेस कंसीडरेशन पेड किया है 1 मई को, यानी कि 1 मई 2016 को पेड किया है अनुज को, और वो भी 6% डिबेंचर कितने रुपए वाले 100 वाले, और वो भी किस पर, एट पार पर। तो गाइस अपन को निकालने के नंबर ऑफ डिबेंचर इसने कितने इश्यू करे होंगे, तो गाइस पहले अपन को जो पेमेंट करना है वो अपन को करना है 880,000 का, तो पहले मैं लिखता हूं नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर, तो नंबर ऑफ डिबेंचर गाइस अगर अपन बात करें तो 880,000 का पेमेंट कराना है, और जो डिबेंचर है वो कितने रुपए वाला है 100 वाला, और एट पार पे इशू करा मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 100 रुपए, तो अगर अपन बात करें तो 8800 डिबेंचर पे करेगा कौन, एससी लिमिटेड अनुज को, अगर वो एट पार पे इशू करता है। डिबेंचर जितने रुपए पे इशू होगा उतने का डिवाइड दिया जाएगा, तो पहला पॉइंट है एट पार, तो मैंने इसमें 100 का डिवाइड दिया है, 880,000 का अनुज को पेमेंट करना है एससी लिमिटेड को, 8800 डिबेंचर देगी। तो गाइस एंट्री क्या पोस्ट होगी जरा ध्यान से समझते हैं, अनुज अकाउंट डीआर 880,000, ठीक है गाइस 880,000, और 2 कितने परसेंट वाले डिबेंचर गाइस 6%, 26% डिबेंचर अकाउंट 880,000। तो गाइस ये है अपनी पेमेंट करने की एंट्री,
एट पार पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाले 880,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 8800 यहां पे जो है वो डिबेंचर्स निकल के आए हैं, क्योंकि एट पार का केस है तो 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए में इशू करा तो डिवाइड करके निकाला 8800 डिबेंचर हमको देंगे। अनुज अकाउंट दिया 26% डिबेंचर अकाउंट की एंट्री पोस्ट होगी। गाइस ये था लमसम के केस में, अदर देन कैश पढ़ रहे हैं और एट पार पे डिबेंचर इशू हुआ था। अब गाइस बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एट प्रीमियम की। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो एंट्री है वो तो अपनी सेम ही रहेगी, बस पेमेंट करने की एंट्री है वो अपनी अब यहां से चेंज होगी, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं गाइस। अनुज अकाउंट डीआर 26% डिबेंचर। अब अपन करेंगे इसको कौन से वाले केस पे, प्रीमियम वाले केस पे। तो इधर देखते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स की यहां पे भी बात कर लेते हैं। अपन को पता है कि 880,000 का पेमेंट करना है, ठीक है, और डिबेंचर जो शो 10% प्रीमियम पे, इसका मतलब 100 रुपए का डिबेंचर हो गया प्लस 10 रुपए प्रीमियम होगा, क्योंकि फेस वैल्यू वाले लेते हैं अपन प्रीमियम, तो 10 रुपए 110 का अपन अगर डिवाइड देंगे तो 8000 डिबेंचर पेड करने पड़ेंगे पेमेंट में। ठीक है, क्योंकि कितने रुपए पे इशू हमारे डिबेंचर ज्यादा पे प्रीमियम पर 110 की वैल्यू पर इशू है, तो इसका मतलब हमें डिबेंचर कम देने पड़ेगी, तो 8000 अपन इधर डिबेंचर देंगे। एंट्री क्या होगी पोस्ट वो जरा तो समझते हैं। और गाइस जो अपन की जो पेमेंट की एंट्री वो 1 मई को एंट्री पोस्ट होगी, तो अपन यहां पे एंट्री पोस्ट करेंगे अनुज अकाउंट डीआर। ठीक है गाइस, कितना पेमेंट करना है 880,000 का कर दिया जी, 26% डिबेंचर अकाउंट। अपन को पता डिबेंचर कितने इशू करें 8000, इसकी जो फेस वैल्यू है 100 रुपए वो तो जाएगी डिबेंचर्स में, यानी कितनी जाएगी जी 8 लाख। ठीक है गाइस 8 लाख, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। गाइस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लेकिन आपको फुल फॉर्म में लिखना है, 8000 × 10 रुपीज का प्रीमियम है 80,000 प्रीमियम, तो टोटल मिला के 8,80,000 अनुज को पेमेंट होगा, मतलब 8,80,000 का पेमेंट हम अनुज को करेंगे। अगर हमारा डिबेंचर इश्यू 10% प्रीमियम पर है तो हम 8,000 डिबेंचर देंगे और पेमेंट पूरा 8,80,000 का यहां पर हो जाएगा। तो अनुज अकाउंट दिया 26% डिबेंचर 8 लाख, और यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम पर इश्यू 8,000 × 10 कराया, तो अपन ने 80,000 यहां पर लिख दिया है। तो आई होप कि गाइस ये भी आपको पॉइंट समझ में आया, नंबर ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर जितने रुपए पे इशू डिवाइड करने का तरह, एट पार पे इशू था तो 100 का 100 का डिवाइड दिया, प्रीमियम पर इशू 10% तो ऐड करके 110 का डिवाइड दिया है तो 8000। अब बात कर लेते हैं गाइस डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट पर भी अपन इशू करेंगे, तो आई होप कि गाइस ये वाली आपको एंट्री समझ में आई होगी प्रीमियम वाली। अब बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में, डिस्काउंट के बारे में, तो वहां पे पेमेंट किस तरीके से होगा वो भी आप थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि अगर अपन डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो सीधी बात ये है कि अपन को नंबर ऑफ डिबेंचर्स ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि वैल्यू कम रहेगी नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो गाइस जरा देखते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है 8,80,000 का अपन को यहां पे इनको पेमेंट कराना है। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स अपन को पता है कि 8,80,000 का पेमेंट कराना है, और हमारा जो डिबेंचर है वो कितने परसेंट पर, डिस्काउंट रेशियो 12%, तो 100 रुपए का 12% अपन करेंगे तो गाइस कितना होगा 12 रुपए, तो यानी कि वैल्यू कितनी रहेगी 88, कितनी रहेगी गाइस 88, 100 में से 12 चले जाएंगे 88 डिवाइड देंगे, तो यहां पर जो नंबर ऑफ डिबेंचर है वो आएंगे गाइस 10,000। जब हम 10,000 डिबेंचर देंगे तब जाके पेमेंट होगा 8,80,000 का अनुज का। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट पर इशू है 12%, फेस वैल्यू वही लेते हैं, तो 100 रुपए में से 12% का 12 रुपीज अपन लेस कराएंगे डिस्काउंट का पैसा, तो 88 रुपीज का डिवाइड देंगे तो 8,80,000 में, तो नंबर ऑफ डिबेंचर जो 10,000 आएंगे। ये जो थे ये प्रीमियम पर थे तो 8,000 आए थे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना होगा अपन को पता है कि डिबेंचर जो है वो 10,000 दे रहे हैं हम पेमेंट में, और डिस्काउंट जो है वो है 12 रुपीज, तो 1,20,000 का डिस्काउंट यहां पर हो गया। ठीक है, कितने का होगा 1,20,000 का, और 26% डिबेंचर अकाउंट, हमें पता है डिबेंचर जो हमने इशू करा वो 10,000 का करें, 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, तो यहां पे गाइस कितना चला गया 10 लाख, यानी कि 8,80,000 का उसको पेमेंट होगा, डिस्काउंट अनुज डिबेंचर अकाउंट डीआर कर दिया 1,20,000, कंपनी के लिए लॉस है 12 रुपीज का, तो 12 × 10,000 कराया तो 120 आ गया, और 6% डिबेंचर में 10,000 × 100 फेस वैल्यू के साथ 10 लाख लिख दिया, यहां पर 10 लाख आ गया गाइस, और ये 8,80,000 और 1,20,000 मिलकर कितने हो गए 10 लाख, डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है तो कंपनी ने इसको डीआर कर दिया। अब गाइस एक बात समझनी है, प्रीमियम पर जब हम डिबेंचर इशू करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कम आएंगे, और डिस्काउंट पर करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स ज्यादा आएंगे, क्योंकि
वैल्यू कम है डिबेंचर की, इसलिए तो जब और एक बात याद रखना है, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए अपन को डिवाइड देना है जितने रुपए पे अपन डिबेंचर इशू कर रहे हैं उतने रुपए का। यहां पर ऐड पार्ट था तो 100 का डिवाइड दिया, प्रीमियम पर था 10% तो ऐड करा 100 रुपए प्लस 10 110 का डिवाइड दिया, 12% डिस्काउंट पर था तो अपने 12 रुपीज लेस करा के 88 रुपीज का अपन ने यहाँ पे डिवाइड दिया। तो गाइस ये थे 3 पॉइंट लमसम में अपन ने पढ़ा, अदर देन कैश और इन ओनली फॉर कैश। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस इसका एक इलस्ट्रेशन है आपके मॉड्यूल में जो कि आप कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 है जिसका पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर आप सेकंड कर सकते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड मैंने अभी आपको समझाया नहीं है तो वो अपन बाद में समझ लेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड करेंगे, पेज नंबर 10.80 पे आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये थे अपने दो पॉइंट आज अपन ने पढ़ लिए हैं लमसम के अंदर, अदर देन कैश और ओनली फॉर कैश, और अपन ने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट किया है। आई होप कि गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।